दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हानिया बेबी समझ गई, व्लॉग शुरू हो गया है नया। आज का व्लॉग है चांद रात का व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को चांद मुबारक, ईद मुबारक। हमने इफ्तारी करके सीधे चांद देखने चले गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसा चांद दिखा है। बहुत ही खूबसूरत और पतला सा चांद दिखा है, एकदम जो कमज़ोर नज़र वाले को दिखे ही नहीं ऐसा, मतलब मेरे को दिखे नहीं, अम्मी को तो दिखे ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख ले। तो अभी मैं आ गया हूँ वासिफ की छत पे चांद देखने के लिए, तो आपको भी दिखाता हूँ। मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, बहुत पतला, एकदम बारीक सा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही बारीक है। कैमरा भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है उस पर। बाकी दिख चुका है चांद, इसका मतलब है कल ईद है। तो आप सभी को मेरी तरफ से चांद मुबारक एंड ईद मुबारक। तो अभी शिरखुरमे की तैयारी हो चुकी है शुरू। यहाँ फैज़ान घिस रहा है खोपरा, अम्मी काट रही है ड्राई फ्रूट, और हानिया को ईद की नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही है। और हानिया की दो फ्रेंड आई है हानिया से मिलने, बाजी और तीनों बाजी आई है, मेहंदी भी लगवाना है इनको सोनम से। सोनम के धुल रहे हैं बर्तन, कहाँ रखे वो कौन? वो कौन माइक्रो पे रखे, माइक्रो पे मैंने अभी सामान रखा। ये मेहंदी के कोन भी अभी जस्ट लेके आया हूँ। और काफ़ी लोग पूछते हैं आप हर चीज़ का प्राइस बताया करो जिससे कंपैरिजन हो सके। तो ये जो है मैं 5 रुपये के लाया हूँ, 5 रुपये का एक, ये 10 के 2 लाया हूँ। ये काफ़ी अच्छे वाले होते हैं, इससे सस्ते भी मिलते हैं। और इस बार बहुत अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने बिना कुछ बोले कौन लाए। हाँ, क्योंकि मेरे को मेहंदी की स्मेल इतनी पसंद नहीं है। मैं एक बार बचपन में बीमार हो गया था, मुझे लूज मोशन और वॉमिटिंग हो गई थी। तब मुझे है ना, वो शादी का घर था, वो वहाँ पर सब मेहंदी लगाए, तो मेरे नाक में जैसे ही मेहंदी की स्मेल जाती, कई लोग खुशबू भी बोलते उसको, वैसे ही मुझे उल्टी हो जाती थी। मेरे कजन को भी नहीं, हाँ वहीं पे आज टाइम। अरे वो शार्क भी है ना, हाँ उनको भी नहीं पता। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ बाहर मार्केट में देखने के लिए भाई क्या चहल पहल चल रही है ईद की। और मुझे और सोनम को थोड़ी शॉपिंग भी करना थी, तो वो भी कर लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं एक चूड़ी की शॉप पर। यहाँ पे सोनम चूड़ी ले रही है, अम्मी की भी लेना है और सोनम उसकी भी लेगी, दोनों का साइज़ एक ही हो गया है। और ये हानिया, यहाँ पर टॉयज़ भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हानिया टॉयज़ देख रही है। ये साइकिल से बहुत पसंद आ गई है, इसमें सेम सॉन्ग बज रही जो हानिया की साइकिल में बजते हैं। और ये एलिफेंट को बार बार मुझे बता रही थी हाथी हाथी बोल के। सब नकाब में। यहाँ पर मुझे व्लॉग शूट करना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सब लेडीज़ है, तो सोनम ने बोला कोई बात नहीं, सब नकाब में ही है। हानिया, भाई मैं चले गया था घर, और घर जाने के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ मेरे दोस्तों के साथ। अब हम इनको भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है, और मैं और अच्छे से आपको दिखाना चाहता था मार्केट चांद रात का, तो मैंने सोचा एक बार और चक्कर लगा लेते हैं। तो आ गए हैं फिर से। तो दोस्तों, हमें पैदल आना पड़ा, इतना ज़्यादा रश था और रास्ता भी बंद कर रखा था पुलिस ने, पैदल ही जाना पड़ेगा, इसलिए हमको पैदल आना पड़ा, गाड़ी बहुत दूर खड़ी करके। बाकी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है भाई, और शोर भी बहुत ज़्यादा। आज लास्ट डे है ख़रीदारी की, चांद रात है, और चांद रात को तो भाई ऐसे ही होता है, सब अपने अपने जो सामान बचा है वो ले रहे हैं। मेन तो टेलर के यहाँ भीड़ लगी होगी आज, टेलर के और लेडीज़ों के सामान की जगह। हाँ, दुपट्टे की फीट ले रही है, कोई दुपट्टा ले रही है। हाँ, लेडीज़ के आइटम में बहुत दिक्कत आती है, दुपट्टे में कई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी लेस लेना पड़ती है, पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है, चूड़ियाँ लेना पड़ती है, सेम कलर सारी चीज़ मैचिंग लेना पड़ती है, सब मैचिंग लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लड़कों का बहुत अच्छा है, कुर्ता लिया और काम हो गया। सही है, लड़कों का सिंपल कुर्ता लो, काम खत्म। हाँ बेचारे बहुत मस्त है, उसमें एक लगाई टोपी और बस नीचे बेड़ी मोजड़ी, पूरा काम कर। सही है बहुत। बाकी भाई बहुत भयानक भीड़ है, मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, आप सब लेडीज़ हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। तो
भाई एक बच्ची खो चुकी है यहाँ पे, जिसके पेरेंट्स ने भी अनाउंसमेंट करवाया, मिल जाए तो सही है। तो अभी हुआ था जाहिद का कुछ खाने का दिल, तो हम आ चुके हैं। क्या खाना है? ग्रेवी टिक्का। है ग्रेवी टिक्का, ग्रेवी टिक्का, चिकन टिक्का ऑर्डर करा है, देखते हैं कैसा है, पहली बार खाएंगे। चिकन टिक्का ग्रेवी हमारा आ चुका है, बटर ही बटर दिख रहा है इसमें, और बहुत सारा क्रीम है। वाइट ग्रेवी है, काई की ग्रेवी, क्रीम है और बटर है और मसाला है। ऐसा लगता है मतलब ज़्यादा मसाला है। दिल्ली में मिलता है ऐसा असलम चिकन पर। सो मच कैलोरीज, गर्म है, ठंडा हो जाते पहले, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। पहले मसाला ग्रेवी टेस्ट कर रहे थे, अच्छा है, थोड़ा फीका है, थोड़ा फीका ही रहता है। कैसा है? अच्छा, जिसको ज़्यादा चटपटा पसंद है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो खाना शाना हो चुका है, अब सुरमा लेना है, सुरमा लेना और चाय भी। शाहरुख के लिए फेनी लेने आए हैं, शाहरुख के लिए खजूर भी ले ले, खजूर ये रही खुली, सुबह की नमाज पढ़ने से पहले खजूर खा के जाएंगे तो खजूर ले रहे। अभी हम घर पहुंच चुके हैं, शाहरुख भी मिल गया था हमें रास्ते में, शाहरुख और जाहिद अब जा रहे हैं घर। नई बनियान लिए, कल पहनेंगे। ओके भाई, जल्दी आ जाना, उठ जाना भाई, ना हाँ हाँ भाई। जिस दिन चांद रात होती है ना, उसके उस दिन मुझे नींद बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि अगले दिन ईद के दिन सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ने जाना होता है और मुझे जल्दी उठने की टेंशन रहती है, तो उस चक्कर में नींद बहुत देर तक आती नहीं। मम्मी की अभी मुबारकबाद वगैरह सब चल रही है। हाँ, ये तो हानिया बेबी को अभी तक नींद नहीं आई है, हानिया बेबी सुबह लेट उठेगी, है ना? अच्छा है सुबह लेट उठे, तो हम सुबह सुबह जल्दी रेडी हो जाएंगे उठ के। इस ईद पर हम सब, अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती दे, तंदुरुस्त रखे, इस पूरे रमज़ान कुछ ना कुछ चलता ही रहा है, तो हम सबको तंदुरुस्ती दे अल्लाह, ये आप लोग भी दुआ करना। दोस्तों अभी हो चुका है अगला दिन, यानी ईद वाला दिन हो चुका है, आज है ईद, ईद उल फितर। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद फिर से, और मैं नहा कर रेडी हो चुका हूँ, वाइट कुर्ता मैंने लिया था जैसे कि आपने देखा था हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स में, और मेरा ये जो है ये लंबा कर दिया था टेलर ने यहाँ तक, फिर उसको छोटा करवा के यहाँ तक कर दिया उसने, अभी भी थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है, पर ठीक है अब चला लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ चाय नाश्ता, चाय तो खा रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है रमज़ान में खाते नहीं थे इस टाइम, और इस टाइम अब खा रहे हैं सुबह सुबह, तो अजीब सा लग रहा है। अभी जो है हम दोनों हो चुके हैं रेडी, बस हमारे दोस्तों का वेट है, वो जैसे ही आते हैं वैसे ही हम निकलेंगे जी नमाज़ पढ़ने ईदगाह। वैसे तो हम दोनों ने वाइट कुर्ता पहना, लेकिन दोनों का जो कपड़ा है वो अलग अलग है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरा कपड़ा है और ये फैजान का कपड़ा है। तो दोस्तों पलटा ले। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं नमाज के लिए, ये फैजान, ये मैं भी तीन, अरे सुबह जल्दी उठने की टेंशन में नींद नहीं आती है। गर्मी के वक्त ऐसे सुबह सुबह निकलते तो बहुत अच्छा फील होता है, एकदम कम ट्रैफिक और ठंडी ठंडी हवा।
तो पहुंच चुके हैं, बाइक पार्क कर दी है, अब चलते हैं ईदगाह। चले तो यहाँ पर सब अपने साथ बिछाने के लिए कपड़ा लेकर आए हैं, हम भी अपना अपने साथ लेकर आए हैं। तो भाई अगर हर एक मुसलमान नमाज पढ़ने लग जाए तो ये होगा भाई, देखो मस्जिदें भी सब फुल और रोड भाई कितना फुल हो गया, कितनी पब्लिक है, ये देखो कितनी दूर तक पब्लिक है। यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, ईदगाह के सामने का स्पेस है, रोड है, और उसके पीछे देखो, उसके पीछे कितना पीछे हम, कितनी पब्लिक है, और अब हमारे पीछे भी देखो कितनी पब्लिक आ चुकी है भाई, बहुत दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। अगर इतने लोग नमाज़ पढ़ने लगे तो भाई मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, मस्जिदों की जगह कम पड़ जाएगी, तो फिर मस्जिदें और बनेंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमाज़ पढ़ना चाहिए भाई, कई लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ ईद पर ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इतना रश हो जाता है, रोड फुल हो रहा है। अगर सब हर टाइम नमाज़ पढ़े तो इतनी मस्जिदें बन जाएगी कि इतना रश नहीं होगा और ईदगाह भी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। फिर वो कई लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं सिर्फ, और कई लोग जुम्मे की भी नहीं पढ़ते हैं, तो यही रीज़न है भाई कि रोड पर इतनी भीड़ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों नमाज हमारी हो चुकी है, अभी माइक चल रहा है तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वॉइस ओवर करते हैं। तो नमाज हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं अब अपने अपने घर की तरफ, और ईदी मिल रहे हैं सब एक दूसरे से, हम भी मिल लेते अपने दोस्तों से। इससे पहले आप ये नज़ारे देख लो भाई, किस तरह से लोग जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं मामू से मिलने, वो यहीं पर है शॉप पर। तो सबसे ईदी मिल ली है, अब जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो अभी कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, बाइक पार्क कर दी है, लोग तो अंदर ही ले आए गाड़ी। हाँ भीड़ दिखी थी तो अपन ने दूर लगा दी, हाँ हमें लगा बहुत भीड़ हो गई तो हमने बहुत पीछे पार्किंग कर दी। अरे वो भी पीछे पार्किंग करी यार, केबल चल रहा है वो आगे वाले में चले गए। ये कब्रिस्तान के जस्ट पास में रेलवे ट्रैक है, तो वहीं से ट्रेन जा रही है। गाइस कोविड के टाइम पे यहाँ पर सिर्फ एक ही कब्र थी हमारी छोटी नानी की, और उसके बाद कुछ दिन में ही ये पूरा भर गया था भाई कब्रों से, वो भी एक दौड़ था वो भी निकल गया। तो कब्रिस्तान हम हो लिए हैं, अब कहाँ जाते हैं लेट्स सी। जैसे हमने पार्क बहुत दूर करी थी तो चल के जाना पड़ रहा है। गाइज ये वही रोड है जहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी थी, ईदगाह के सामने टेंट लगा था वो है, जो कि अब खुल गया है क्योंकि ये रोड स्टार्ट होने वाला है। और हमने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी वो आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ के नीचे यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी थी, और अब देखो पूरा रोड खाली हो गया है।
तो अभी हम आए हैं मित्तल कचौरी पे पोहे खाने। पोहे खाने मित्तल इंदौर का मशहूर पोहा। इंदौर का मशहूर पोहा, नाश्ते में फेमस पोहा ही है इंदौर का। इंदौर का फेमस पोहा पूरा खाते। तो पोहा आ चुका है अपना, खाएंगे और निकलेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग है, गरम मसाले वाला, तो यही खाते हैं और चलते हैं। तो नाश्ता हो गया, अब चलते हैं। अब चलेंगे नॉन स्टॉप घर। तो दोस्तों, ईद वाले दिन हमारे साथ क्या क्या होने वाला है वो आप अगले व्लॉग में देखना। आपने अभी हाफ डे देखा है, आधा दिन देखना बाकी है, तो अगले व्लॉग में देखना। ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो इसको इधर ही एंड करते हैं, और एडिटिंग भी बहुत टाइम लग रहा था तो मुझे जल्दी अपलोड करना है, इसलिए इस वीडियो को मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। देखना ज़रूर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग का भी। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।